डीएमए के ऑफलाइन बैचेस के बारे में आज जानकारी आप लोगों को देंगे। जैसा कि सेमेस्टर थ्री का एक बैच चल रहा था ऑफलाइन, और बाकी ऑनलाइन कोर्सेज तो चल ही रहे हैं। सेमेस्टर थ्री का, सेमेस्टर वन का, सेमेस्टर फाइव का ऑनलाइन में बीबीयू के लिए अलग, बीबीएमक्यू के लिए अलग सेपरेट कोर्सेज तो ऑनलाइन में चल ही रहे हैं। अब चूंकि ऑफलाइन में बीबीएमक्यू के लिए सेमेस्टर थ्री का बैच चल रहा है, सेमेस्टर फाइव का बैच चल रहा है, इसमें थोड़ा सा समस्या ये हुआ है कि जो बैचेज चल रहा था ऑफलाइन में, जैसे सेम फाइव का बैच 8:30 बजे सुबह से चलता है ना, एक घंटे का बैच है। चूंकि हम लोग डिजिटल बोर्ड टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो एक घंटे में बहुत सारी चीज़ों को बताया जा सकता है। तो ये जो बैच है टीटीएस और संडे को चलता है, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से बैचेस का शेड्यूल है। सेम फाइव सुबह 8:30 बजे से, और सेमेस्टर थ्री का जो फर्स्ट बैच है वो 10:30 बजे से चलता है इस शेड्यूल में। समस्या ये है कि इस बैच में जगह नहीं है, हम लोग के पास अभी बहुत बड़ा स्पेस है नहीं, और हम चाहते भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को एक ही साथ कर लिया जाए ताकि बच्चों को पीछे वाले बच्चों को दिक्कत हो जाए, तो ये भी नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग इसीलिए सेकंड बैच शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस करना था, तो सेकंड बैच शुरू करने जा रहे हैं ट्यूसडे से 9:30 बजे सुबह। सेम थ्री का सेकंड बैच शुरू होने जा रहा है एकदम बिल्कुल शुरुआत से, है ना। मेजर पेपर फाइव शुरू किया है उसमें हम लोग, एकदम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे ट्यूसडे से 9:30 बजे सुबह। अगर जिस भी बच्चे को ऑफलाइन आकर ज्वाइन करना है क्लासेस कर सकते हैं। और बाकी एक नया बैच और भी है 11:45 सुबह से, सेम वन का न्यू बैच शुरू होने जा रहा है ट्यूसडे से, ठीक है जी, ट्यूसडे से शुरू हो रहा है सुबह। तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को ऑफलाइन। और बाकी एक चीज़ स्पेशल ये है डीएमए का कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस के फ़ी में बहुत मामूली सा डिफरेंस है। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होगा कि आपका जो फ़ी होगा ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो है, ठीक है, उसमें हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे कि जो अपना पूरा पैकेज है, जो अपना पूरा टेक्नोलॉजी का हम लोग बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, उस कंप्लीट टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हैं। घर बैठे मान लीजिए किसी क्लास को एब्सेंट करते हैं, एब्सेंट कोई बच्चा करता नहीं है, अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो उस क्लासेस को आप घर बैठे देख सकते हैं और भी बहुत अच्छे तरीके से। मान लीजिए कोई डाउट आप हमसे सामने ना पूछ पाएँ, ऐप में देखिए, ऐप में पूछिए, मतलब 24/7 आपके साथ हम लोग हैं। तो आप क्लासेस चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, हम लोग हमेशा हैं। हाँ, एक बात का और, अगर किसी भी बैच से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, चाहे ऑनलाइन से चाहे ऑफलाइन से, तो आप डीएमए का जो ऑफिस का नंबर है 8340791994, तो आप सर से बात कर सकते हैं। ऑफिस में बैठते हैं सर, तो सर से बात कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे किसी भी बैचेस का, ठीक है। बाकी मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग ऑफलाइन बैचेज में, ऑफलाइन क्लासेस में। बाकी ऑनलाइन क्लासेस ध्यान रहे पूरा सेपरेट है, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ये है, नहीं, ऑफलाइन अलग है ऑनलाइन अलग है। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो आपको दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा मामूली फी के डिफरेंस में। चलिए मिलते हैं जी ऑफलाइन में।